like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know we will. Guys, abhi hum Uksi pahunch gaye hain. Leia se 50 km hai, 49 hai. Aur yahan se do raste katte hain. Ek hai apna Pingong wala aur ek hai Leh wala. तो ये ले वाला ही लेफ्ट में है और ये पेंगोंग वाला जो ये राइट में है। सामने एक दुकान है फिनली और सेकंड इन भैया से हमने मेरी जो बाइक का जो पिछला वो टूट गया था कैरियर वो जुड़वा लिया है। सो वी आर ऑल सेट। ये देखो यहाँ पर भी टाँके लगे हैं और ये जुड़ गया है, यहाँ पर भी खुलने वाला था। सो इनको 130 रुपीस दिया और इन्होंने दोनों काम कर दिया। सो ये है कारू से जस्ट पहले आर्मी का जो एरिया पड़ता है उसको क्रॉस करते ही, और ताशी टेलीकॉम्स करके एक मोबाइल की शॉप है जिसमें आपको सिम मिल जाएगी एयरटेल की और बीएसएनएल की। अगर एयरटेल के लोगे तो उससे फ़ायदा ये है 380 रुपीज़ में एक महीने का प्रीपेड रोज 1.5 GB के आसपास डेटा और नेटवर्क लेके एरिया में। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है पेंगोंग हानले और डुबरा में ये नहीं चलती है, एयरटेल के सिम में नेटवर्क नहीं आता, मगर बीएसएनएल में हर जगह नेटवर्क आता है बट डेटा नहीं चलता। सो चॉइस इज़ योर्स, जो भी लेना है आप दो सिम भी ले सकते हो दोनों कामों के लिए। मैंने एयरटेल लिया है तो मुझे डेटा चाहिए था थोड़ा सा पोस्ट करने के लिए, और बाकी भैया से काम तो करा ही लिया। अब चलते हैं आगे, अपने ले में परमिट का जुगाड़ हो जाए तो बढ़िया है। और निशी भाई आपने कुछ काम कराया? आपने जूते लिए हैं? वो सामने जो जूते की दुकान है इधर राजू भाई हैं जो आप बैठते हैं, और जैसा मैंने पहले ही बताया था एवरेस्ट रेस्टोरेंट के ठीक बिल्कुल मतलब साथ में। तो जो ताशी इलेक्ट्रॉनिक्स है ताशी टेलीकॉम वो भी हमारा टेलीकॉम्स। मैंने थोड़ा जूम इन किया है, आपका सिर आ रहा है सर हटो। हाँ आप देखो ताशी टेलीकॉम्स वो है, मैं यहाँ का रोड दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखो जब ये आने वाला होगा झूले लिखा हुआ बोर्ड कारू से पहले, उसके जस्ट पहले ये जूते की दुकान और वो हमारा जहाँ सिम मिलती है। तो हमने दोनों काम कर लिए हैं। पहले एक दुकान में गया था वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। अब चलते हैं, निशी भाई बाइक स्टार्ट करेंगे अपनी, मैं भी कर लेता हूँ, और फिर चलते हैं अपने परमिट वाले के पास, और फिर होटल भी ढूंढना है, बहुत काम है अभी, और कल का प्लान पता नहीं अभी क्या होगा। और मैं यहाँ पर अपना ऑन रियल चार्ज कर रहा था एक्शन कैम, क्योंकि जानते ही हो इसकी वीडियोस आई नहीं बनाई नहीं, तो अब शायद होपफुली होटल में अगर चार्ज करने को मिलेगा तो बनाएंगे। ऑलराइट लेट्स गो। लुक्स लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई इज नॉट इनफ। शीड रादर बी स्टेइंग फॉर डेज नाउ। आईड रादर फिक्स इट देन मेस अप अगेन। She'd rather be burning it all now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. अभी गाइस एक होटल आने वाला है जो पहले मोनेस्ट्री होती थी, बहुत ही सुंदर दृश्य होने वाला है। इल्तिहाब के बैठिए। तो वो देखो हमारे राइट में, मैंने कैमरा राइट में कर रखा है।
तो यहाँ से दिख नहीं रहा है मुझे, होटल का गेट देखना पड़ेगा। चंबा होटल रेस्टोरा वो अलग है। तो यार होटल गेट बॉम्बे गेट और लेफ्ट में होटल काफी देखने लायक है। हाँ अंदर से बस एक चक्कर मार के आएंगे, तो हम बस एक राउंड मार के आएंगे क्योंकि हमें अभी बहुत काम है। इधर से जाएंगे देखते हैं इसका रिसेप्शन कहाँ पर है। इसके लिए यहीं से जाते हैं सीधा, तो सीधा बोल रहे हैं। तो ये है हमारे दलाई लामा, इनकी फोटो लगी हुई है और ये मॉनेस्ट्री का गेट, हम इसको देख के चले जाएंगे यहाँ से सामने से, काफी अच्छा व्यू आ रहा है। चलो जी हो गया दर्शन, चलो यू टर्न मारो आगे से। तो यही है गेट, यहाँ से एंट्री करते हैं, हम यहाँ से यू टर्न करेंगे और ऋषि भाई चलो कैसा लगा वीडियो बना रहा था मैं, थोड़ा चार्ज हो गया था वीडियो बना लिया। तो हम वापस बाहर निकल रहे हैं गेट से और लेक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देख सकते हो वहाँ ड्राइवर पता नहीं रोक रहा था, पता नहीं वो पूछ रहा होगा या बोल रहा होगा। हाँ यहाँ ब्रेकर था बहुत ही गंदा, मैंने देखा नहीं एक बार। अब आराम से तो हम यहाँ से फिर से राइट ले लेंगे, आराम से राइट लो। दिल्ली ने रास्ता काटा है बट ना तो जाऊंगा क्योंकि बिल्ली रास्ता इसलिए काटती है कि आपको बता सके कि सावधान हो जाओ, ना कि कोई बुरी खबर। तो फिर से वही रास्ते पे आ गए हैं जिसको हमने छोड़ा था, और ऐसे ही रास्ता चलेगा सेम सेम हॉस्टेल जैसे पहुंचते मिलते हैं। Like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire.